तो दोस्तों आज हम आगे गरवा जी और ये गरवा जी की लोकेशन जैसा कि आप देख रहे हो पहाड़ों के बीच में एक झरना बहता है जो हमेशा 12 महीने यहाँ पर चलता रहता है। और ये इसका जंगल यहाँ से शुरू होता है, लगभग हम 500 मीटर आगे हैं इस जंगल के रास्ते से हम गरवा जी जाते हैं। ये रास्ता आता है सिलीसेड झील से रास्ता आता है। और इस जंगलों के बीच में जो आप पहाड़ों की सुंदरता देख रहे हो दोस्तों, इसका आगे वो सीन आएगा जो पहाड़ों के बीच में से नदी बहती है, जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल खड़े पहाड़, अलवर का सबसे सुंदर दृश्य। और इसी रास्ते से हम गरवा जी पहुँचेंगे। और ये हमारी स्कूटी है, स्कूटी के थ्रू हम गरवा जी पहुँचेंगे। तो आप शुरू करते हैं यहाँ से राइडिंग, ओनली 10 मिनट बाद हम गरवा जी तक पहुँच जाएंगे दोस्तों। चलो करो तो दोस्तों, अब हम रास्ते पर राइडिंग शुरू कर दी है और धीरे धीरे राइडिंग करते हुए हम गरवा जी के लिए पहुंच जाएंगे। उससे पहले एक मंदिर आएगा, मंदिर से ऊपर की तरफ हम झरने पे पहुंचेंगे। अभी आप रास्ता देख रहे हो, पहाड़ भी आपको दिख रहा होगा किस प्रकार का पहाड़ है। इन पहाड़ों को हम रास्ते पर चलते जा रहे हैं। गरवा जी की मान्यता ये है कि यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है ऊपर, जिस मंदिर के नीचे से पानी निकलता है, नदी निकलती है, और उसी नदी पे झरने हमेशा बहता रहता है। झरने में नहाने के लिए दूर दूर से जनता यहाँ पर आती है और हमेशा यहाँ पर भीड़ उपस्थित रहती है, जैसा कि आप देख रहे हो खड़ा पहाड़। और सबसे सुंदर नज़ारा अलवर का गरवा जी का, यहाँ पर पार्किंग है। तो दोस्तों ये हमने हमारी स्कूटी पार्क कर दी है। पार्क करने के बाद अभी इस रास्ते से आगे जो मंदिर आ रहा है, मंदिर के रास्ते से आगे है गरवा जी, जैसा कि आप पहाड़ों के बीच में देख रहे हो लोकेशन, खड़े पहाड़ बिल्कुल, खजूर के पेड़ हैं यहाँ पर बहुत सारे। और आज हम आपको गरवा जी का दृश्य दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो दोस्तों अब चलते हैं गरवा जी के रास्ते पर और आपको झरने का पूरा व्यू दिखाएंगे, जिस झरने पर यहाँ पर जनता दूर दूर से नहाने आती है। और ये साइड में नदी है दोस्तों, नहा भी रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग। यही वो नदी है जो उस झरने से आते हुए आगे सिलीसेड झील में जाती है। और यहाँ पर भी मंदिर है जहाँ पर मेला लगता है हर साल। और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं सामान वामान लेने के लिए। तो दोस्तों आगे देख रहे हो आप व्यू, किस प्रकार का व्यू है गरवा जी का। ये प्रसादों की दुकान है, यहाँ से प्रसाद आप ले सकते हो। और ये है मंदिर, प्राचीन मंदिर श्री गरवा जी महाराज, ये आप निकाल देख रहे हो प्राचीन मंदिर श्री गरवा जी महाराज का। प्रसाद चढ़ाने के लिए दूर दूर से यहाँ पर जनता आती है। और इस प्रकार से व्यू है दोस्तों मंदिर का भी, ये जाली लगी हुई है और ये अंदर मंदिर है गरवा जी का। और ये वो नदी है दोस्तों, ऊपर की साइड में ये वो दोस्तों, ये देखो पहाड़, ज़बरदस्त चोटी है इसकी। और ये नदी है जो बह रही है इस वक्त, नदी में पानी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और इस नदी के रास्ते हम धीरे 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 अंदर गरवा जी के झरने तक पहुँचेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो जनता जा रही है इसी रास्ते से, बहुत लोग उस झरने तक जा रहे हैं। और ये नदी होती हुई सिलीसेड झील जाती है, इस नदी में भी लोग स्नान करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको पूरा व्यू गरवा जी का, जो कि अलवर की सबसे सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अब हमें पहाड़ों में चलना होगा अंदर की तरफ इसी रास्ते से। बड़ी बड़ी शिलाएँ, बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर हैं। इसी पहाड़ों के रास्ते से हम पहुँचेंगे गरवा जी। वाटरफॉल जो यहाँ पर होता है झरना, उसी झरने में स्नान करने के लिए दूर दूर से जनता यहाँ पर आती है। मेन तो वो झरना ही है और ये पहाड़ों के बीच में है दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ है, पेड़ों को जैसे पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन पहाड़ों के बीच में है ये सुंदर दृश्य। और ये नदी बह रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने
पहाड़ों के रास्ते से हम पहुंचेंगे झरने पर, और ये झरना आपको दिखाई दे रहा होगा बहता हुआ। और ये सीढ़ियों का रास्ता है, इन पहाड़ों के बीच में एक ऊपर मंदिर है जिसमें जाना पड़ता है। और अभी हम इन बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर से गुजर रहे हैं, और ध्यान से आना रविंद्र, ध्यान से पैर ना रिपच जाए। ये देखो दोस्तों, झरना चल रहा है और अब वो झरना वाटरफॉल आ चुका है। ये नदी चल रही है दोस्तों, ये वो वाटरफॉल है, और इस वाटरफॉल के नीचे जनता नहाती है, और ये ऊपर वाटरफॉल जाते जाते मेन मंदिर तक पहुंचता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है गरवा जी का, पहाड़ों के बीच में चारों तरफ पहाड़, और इन पहाड़ों के बीच में ये झरने की वजह से नदी बनती हुई। तो चलते हैं दोस्तों इस नदी में, अब आगे ऊपर की तरफ झरने पर, मेन झरने पर चलते हैं जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, उधर आपको लेकर चलते हैं, और इसका मेन व्यू आपको नज़दीक से दिखाएंगे। तो ये दोस्तों देखो पानी कितना साफ है, बिल्कुल साफ पानी है। आप दोस्तों देखें झरने का व्यू, देखें आप, ये झरना सारे पूरे पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है, जहाँ तक देखो वो इतना ऊंचा पहाड़, और ये झरना उतर रहा है। झरना उतरने के बाद में यहाँ पानी गिरता है जहाँ पर जनता नहाती है और इस झरने का आनंद उठाती है। इसी प्रकार से सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, ये सीढ़ियाँ यहाँ से चालू होती हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के बाद एक मंदिर आएगा, उस मंदिर पर लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं। पहाड़ आप जैसे देख रहे हो चारों तरफ घटाएँ, और इसी रास्ते से हम आए हैं। इस रास्ते में भी जनता बहुत ज़्यादा स्नान कर रही है, स्नान करने के बाद में यहाँ पर सब स्नान के मज़े लेते हैं, और जैसा कि आप सुंदर नज़ारा देख रहे हो। Thank you.